दरभंगा के बहादुरपुर से राजद के पूर्व विधायक और लालू परिवार के बेहद करीबी भोला यादव के घर सीबीआई की छापेमारी और गिरफ्तारी से राजद नेताओं का गुस्सा चरम पर है। इसी को लेकर शनिवार को सभी प्रकोष्ठ, चाहे वह युवा हो या छात्र या फिर जिला इकाई, सभी ने एक साथ उतरकर प्रधानमंत्री का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया और पुतला दहन किसका किया। देखिए, दरभंगा में ही नहीं बिहार में माननीय पूर्व विधायक भोला जी यादव जी को जानते हैं, जो वो साफ छवि के नेता, साफ सुथरा नेता को बदनाम करने के लिए उनके घर पर सीबीआई का जो छापा पड़ा और उन्हें बदनाम किया गया। बीजेपी जो चाहती है वो हम डरा धमका के सत्ता में कायम रहे, उनके विरोध में हम लोग जो है तो धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च किए हैं, उनका पुतला दहन। किसका पुतला दहन? नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का। अगर ये भोला अगर यहाँ नहीं होते हैं तो फिर आगे की तो जंग जारी रहेगा। अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अब हम लोग उतर चुके हैं, जो डराने धमकाने से तुम्हारा सरकार चलने वाला नहीं है। संघर्ष जारी रहेगा, सीबीआई का दुरुपयोग जो है सो बंद करे, नहीं वो हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे और उनका विरोध करते रहेंगे। निश्चित रूप से आपातकाल कैसा लग रहा है, 1974 में जिस प्रकार का अघोषित आपातकाल था, घोषित आपातकाल था, आज के दिनों में अघोषित आपातकाल पूरे देश में है, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में है। सारी विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से। इसलिए हम भर्त्सना करते हैं इस जांच को, और आज जो पुतला दहन किया गया है प्रधानमंत्री और अमित शाह को, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी लड़ाई है, हम लोगों को लड़ना है। भोला बाबू तो मात्र एक जो साधन है, जो उनको एक जो सहयोगी के नाते ऐसा किया गया, लेकिन सारे मैंने विपक्षी पार्टियों को ये प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा इसका शुरुआत कर दिया है, लड़ाई को पूरे सूबे में इस लड़ाई को ले जाएगा, बिहार में ले जाएगा, देश के पैमाने पर ले जाएगा। इस अगली सरकार को जो केंद्र की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, उसको नेस्त नाबूद कर देगा अगला विधानसभा में। पहले अमित तो भाई सामने मेरा मानना नाम पता प्रत्येक लक्ष्मण प्रसाद सिंह बड़ी उपाध्यक्ष जिला को लेकर आज आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं, और किनका पुतला दहन हो रहा है, क्या मानना है? सरकार के द्वारा डराने और धमकाने के काम कर रही है, इसके विरोध में हम लोग उतरे हुए हैं सड़क पर, और सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई चल रही है। अगर इस तरह की रवैया सरकार की रहेगी तो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई जारी रहेगी। अगर 10 दिन डिमांड किए हैं, 10 दिन में अगर नहीं छोड़ते हैं या कुछ इस तरह के दरबार दबाने का काम करते हैं, हम लोग इसी तरह चलते हैं। क्या नाम हुआ? अजय कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष गोरा बोरा। क्या कहना चाहते हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से? हम लोग ये जो बीजेपी के द्वारा दामनात्मक कार्रवाई की जा रही है, डरा धमका के सत्ता में रहना चाह रहा है, और एक अच्छे हम लोगों के नेता बहादुरपुर के पूर्व विधायक भोला यादव पर जो सीबीआई का जो करतूत है, भाजपा का साजिश है, यह जो है डरा के चाहती है सत्ता में बने रहे। इसलिए हम लोग मांग करते हैं नरेंद्र मोदी से, जो भारत के संविधान, भारत के जो है सो ये जो उच्च सदन है सीबीआई और ईडी, इसका दुरुपयोग करना बंद करें, और इसका भय दिखाकर अगर इस पर विरोध को, विरोधी को आवाज को बंद कराना चाहेगा, तो हम लोग जो है इससे और अधिक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, और इससे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ, जो जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, गली गली में गूंज पड़ेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से।